दोस्तों जब भी हम स्मार्टफोन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो बैटरी परफॉर्मेंस सबसे पहले आती है मतलब कि कोई भी परफॉर्मेंस ले ले आप प्रोसेसर रैम हर चीज़ मतलब कि मेमोरी जो भी आपके डिवाइस में परफॉर्मेंस है आपके डिवाइस में तो सबसे पहले आप यही पूछते हैं कि भाई इसकी बैटरी कितनी है आप कभी भी डिवाइस लेने जाते हैं खरीदने जाते हैं तो आप पूछते हैं कि भाई इसकी बैटरी कितनी है एम एच की आप करते हैं ना लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो बैटरी परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ कैसे करेंगे दोस्तों ये ट्रिक मैंने आपको पहले नहीं बताई है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए और इस ट्रिक में मैं आपको चार स्टेप्स बताऊँगा उसको फॉलो करने के बाद आपकी बैटरी परफॉर्मेंस बिल्कुल हाई हो जाएगी और आप ईजिली जो है अपनी फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे और मजे से आप कुछ भी यूज़ कर पाएंगे तो आपकी बैटरी जल्दी डिक्रीज़ नहीं होगी तो बहुत ही इजी स्टेप्स हैं आपने फॉलो करने हैं और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ जो हैं अपलोड होती रहती हैं सो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर न्यूज़ टेस्ट चैनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने जाना है यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूँ तो आप मैं आशा करता हूँ आप समझ जाते हैं ठीक है मेरी वीडियो अगर आप मेरी वीडियो समझते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए कि हाँ हम आप, आप, आपकी वीडियो हमें समझ में आ जाती है ठीक है तो आपने सबसे पहले जाना है यहाँ पे कनेक्शन वाले ऑप्शन पे कनेक्शन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं आपने जाना है सबसे पहले डाटा यूजेस पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने वाला हूँ ध्यान से देखना आपने डाटा यूजेस पे जाना है यहाँ पे डाटा यूजेस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे डाटा सेवर का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है ठीक है ये आपका ऑटोमेटिकली ऑफ रहता है जब आप इसे लेते हैं डिवाइस को खरीदते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफ रहता है तो आपने इसे यहाँ से ऑन कर देना है ठीक है ऑन कर दिया डाटा सेवर अब ऑन करने के बाद क्या करना है आपने यहाँ पे अलो एव वेल डाइट डाटा सेवर ऑन तो आपने वो एप्लीकेशन यहाँ पे यूज कर लेनी है जो आप आपको लगता है कि जो एप्लीकेशन ज्यादा आपका इंटरनेट यूज करती है ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ध्यान से देखना आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं मान लो कि मैं गूगल फोटोज को नहीं चाहता यहाँ पे कि ज्यादा ही डाटा यूज करती है मेरा और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है जैसे कि यूट्यूब ज्यादा डाटा यूज़ करता है हमारा मतलब कि और भी जैसे कि क्रोम ब्राउजर हो गया आपका वो भी डाटा आपका ज्यादा यूज करता है तो उन सभी को आपने सेलेक्ट कर लेना है मैसेंजर को भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे आपने बैक आ जाना है ठीक है बैक आ गए यहाँ पर आपका काम जो है खत्म हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आता है एक मोबाइल डाटा ओनली एप्स तो आपने इसे यहाँ से करना है ठीक है यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे वो एप्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है जो आपकी बैकग्राउंड में फालतू में डाटा यूज करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता तो आपने सभी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे तो वो एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है जो आपको लगता है कि बैकग्राउंड में यूज चलती रहती हैं रनिंग पे रहती हैं और आपके डाटा को यूज करती हैं बैटरी को कंज्यूम करती है और आपकी रैम को भरती हैं तो मैं यहाँ पे क्रोम को भी ले लूंगा क्योंकि क्रोम जो है ये भी बैकग्राउंड में रन करता है और भी यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपको लगता है कि बैकग्राउंड में रन करती रहती हैं और आपके डाटा को कंज्यूम करती है और बैटरी को भी कंज्यूम करती है साथ में तो इन सभी एप्लीकेशन यहां पे चूज कर लेना है तो उसके बाद आपने बैक आ जाना है ये तो होगी हमारी दो सेटिंग फिर उसके बाद आपने लास्ट टैन ऑप्शन पर जाना नीचे मोड मतलब बैक आना है बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मोर कनेक्शन का ऑप्शन यहां पे मिलता है मोर कनेक्शन सेटिंग्स का फिर यहां पे, तो पे जाना है फिर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे करनी है तो वो कौन सी है वो नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग ये आपका फोन में इनबिल्ट रहता है और ये ऑन रहता है मतलब कि आपके नियर बाय डिवाइस को स्कैन करता रहता है ऑटोमेटिकली और आपकी बैटरी जो है वो कंज्यूम होती रहती हैं तो ये आपको पता नहीं चलता और आप बोलते हैं कि मेरी बैटरी खत्म हो रही है तो कैसे हो रही है नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग मतलब कि आपका वर्क कर रहा है आपका प्रोसेसर वर्क कर रहा है और आपका डिवाइस हीट हो रहा है और आपकी बैटरी भी कंज्यूम हो रही तो आपने इसको सिंपली जाके ऑफ कर देना है यहाँ से ठीक है ये थे हमारे थ्री स्टेप्स अब हम जो है लास्ट स्टेप्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपने नीचे को आना है यहाँ पे फिर यहाँ पे डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आना है ठीक है फिर आपने बैटरी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है फिर उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे आ, ऐप पावर मैनेजमेंट पे ऐप पावर मैनेजमेंट यहां पे जाना है आपने फिर स्लीप ऐप्स का ऑप्शन यहां पे आता है यहां पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशन स्लीप मोड में आएगी लेकिन आपने प्लस ऐड पे जाना है यहाँ पे फिर आपने वो एप्लीकेशन यहाँ पे चूज़ कर लेनी है जो कि आप नहीं चाहते कि बैकग्राउंड में वो आपका डाटा यूज़ करे बिल्कुल ही स्लीप मोड में चले जाए और आप वो बैकग्राउंड में रन ही ना करे उन सभी एप्लीकेशन यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है ठीक है तो फेसबुक को मैं चाहता हूँ जब मैं ओपन करूँगा तभी यूज़ करूँगा अदरवाइज स्लीप मोड में रख दूंगा तो आप जो भी एप्लीकेशन रखना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं तो आपने ऐड पर क्लिक करना है फिर आपने बैक आ जाना है बैक आने के बाद आपकी बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी और आप जो है अच्छे से फोन यूज कर पाएंगे और काफी टाइम तक भी यूज कर पाएंगे तो ये था आज का वीडियो में आशा करता तो हूँ आपको पसंद आया होगा सो बाय बाय टेक केयर जय हिंद बंदे मातरम